टी प्लेटफॉर्म है उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं क्या क्या आता है अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना इसका भी कोई नियंत्रण नहीं देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते उनकी आदतें बढ़ रही है वो कैसे रोकी जाए कैसा हो पता नहीं उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है सब में भयंकर व्यसन और उस व्यापार से जाने आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है देश विरोधी कार्यो में उसका उपयोग होता है सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते ऐसी सारी बातें चल रही है और अनियंत्रित बातें भी बढ़ रही है बिटकॉइन जैसी करेंसी है किस राष्ट्र का किस नियम का उस पर नियंत्रण है मुझे नहीं पता एक स्पर्धा खड़ी हो रही है इन सब बातों को नियंत्रित करना समाज के हित में चलाना ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो इसका प्रयास करना ये शासन को करना चाहिए करना पड़ेगा परंतु शासन तो अपना काम आज नहीं कल करेगा करने का प्रयास कर भी रहा है वो यशस्वी आज न कल होगा परंतु तब तक के लिए इसका बचना क्या का और बाद में भी बचने की क्या बात है कैसे होगा तो अपने यहां पर एक वाक्य सर्वत्र लिखा मिलता है मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक समाज का मन तैयार होना चाहिए नई पीढ़ी का मन तैयार होना चाहिए बालकों का शिशुओं का मन घर में तैयार होता है नवतरुण होने के बाद जब दुनिया में जाता है और वो दुनिया के आगे खड़ा होता है तो उस व्यक्ति को क्या लेना क्या नहीं लेना क्या ठीक है क्या गलत है इसका विवेक जो मिलता है वो घर से तैयार होकर मिलता है अब तालिगान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं और उसकी जो बातें हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ था रशिया भी था तुर्कस्तान भी था चीन और पाकिस्तान तो आज भी है अब तालिबान बदला भी होगा पाकिस्तान बदला है क्या ऐसा तो बिल्कुल नहीं है चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या ऐसा तो बिल्कुल नहीं है और इसलिए यह मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है बातचीत से संवाद से बातें हल होती है प्रेम से अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है इसको मानना चाहिए इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए लेकिन अपनी सावधानी अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है जहां बार बार आक्रमण होते वहां तो ठीक ही है लेकिन जहां नहीं होते नहीं होते ऐसा हम कहते हैं लेकिन चोरी छुपे होते रहते हैं सागरी सीमा है हमारे सागरी प्रदेश में जो टापू है देश के अंदर की बातें हैं इन सबको बहुत अच्छा करना चाहिए इंटरनेट के उपयोग के कारण अब साइबर सिक्योरिटी का भी प्रश्न खड़ा हो गया है उसके मामले में हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा हम जाएंगे और ऐसी बातों का परिणाम अंदर उपद्रवी लोगों के मनोबल पर न हो हुआ तो भी वो कुछ न कर सके ऐसा हमको ठीक रखना पड़ेगा अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं उसको तो मानते हैं लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है मन से एक होना चाहिए